जिला शहीद बेनजीराबाद की रिहायशी का हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने ज़मीनों पर कब्जा करने के खिलाफ बासर वडेरे हाकिम अली और इसके साथियों के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से अपील की कि जराइम पेशा वडेरे से हमारी ज़मीनों पर से कब्जा छुड़ाया जाए। मेरी जो ये हमारे को जो उसने धोखा दिया है, आई ठगी फ्रॉड किया है, आई हमारे को धमकी दे रहा है, तो ज़मीन का जो ये फसल तुम्हारे को नहीं खाने देगा, फिर आएगा गांव में तुम्हारे को उपट मारूंगा, केस करूंगा। ये जलदारी आए एक आबद पंवर है, इस्तकार है हाकम रशीद, ये आई साहिब खान आई रशीद लाकीरियो, ये मिली पान में सब जो ये हमारे को मारता है, मेरी ज़मीन छीनी है, हमारे को इंसाफ चाहिए। अपील सारे मौकब आलम को अपील करता हूँ मेरे इंसाफ मिले, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वाले को, आर्मी वालों को, सारा मौकब वाला है उसको अपील करता हूँ मेरी दाद सुने। दूसरी जानिब कुंडी के रिहायशी पहुँचे हैदराबाद प्रेस क्लब, जहाँ उन्होंने बासर वडेरे नवाब तालपुर की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया और निजी जेल में कैद अपने बच्चों की रिहाई का मुतालबा किया। नवाब तैमूर जुल्म कर रहा है हमारे से, नवाब तैमूर का चारों पांचों को गिरफ्तार किया जाए, पुलिस का अहदा ख़त्म किया जाए, हमारे गरीबों को इंसाफ दिया जाए। वजीर आजम को अपील करता हूँ, ये 2008 से हम तो सरकारी ज़मीन में बैठे हैं, किसी की ज़मीन ज़मींदारी की नहीं है, रेलवे की हद है, नबी सरवा की हद में उसमें बैठा हूँ। दहशतगर्द हमारे को भगाने के लिए छः हमारे पे केस पहले भी दाखिल किया, अभी भी एक FIR पुलिस ने कर ली, अब गरीब कहाँ जाए, हमारी को जमानत का कागज़ नहीं है, हमारा बच्चा दर बदर है। शहरियों की जानिब से रोज़ बढ़ते हुए एहतजाज हुकूमत वक्त की नाकिस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन मानीजट के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी न्यूज़ हैदराबाद।